हेलो, मैं हूँ कौशिकी द्विवेदी फ्रॉम क्लिनिक निर्वाणा, जहाँ पे मैं हूँ एक गायनेकोलॉजिस्ट और हूँ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन पे। समझेंगे हम कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता क्या है। बिफोर मैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एक्सप्लेन करूँ, मैं बताना चाहूँगी कि मेरा एक और वीडियो है जो ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड फॉलिकुलर ट्रैकिंग पे है, तो अगर आप उसको देखते हैं तो ये प्रोसेस आपको और भी ज़्यादा क्लियर होएगा। IUI जो होता है, इसमें आपका सबसे पहले फीमेल का एग बनाया जाता है बाय ओव्यूलेशन इंडक्शन, जो कि ओरल मेडिकेशन और इंजेक्टेबल मेडिकेशन दोनों के जरिए किया जा सकता है। आपकी सुटेबिलिटी आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल हो। उसमें आपकी फॉलिकुलर ट्रैकिंग होती है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि अंडा आपका कब 18-20 मिलीमीटर्स के करीब का हो गया है। जब 18-20 मिलीमीटर्स के करीब का होता है तो आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे यूजुअली 36 आवर्स के आसपास में एग रिलीज होता है आपकी बॉडी में, एंड दैट इज़ व्हेन आपके पार्टनर का सीमेन जो है उसको IVF लैब में दिया जाता है, जिसकी एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं वॉशिंग। वॉशिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट फर्टाइल स्पर्म होते हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है लिक्विड डिब्रिज वगैरह से, और उसको फिर लैब वाले प्रिपेयर करते हैं और उसको लोड किया जाता है एक स्पेशलाइज सिरिंज में, जिसको रिलीज किया जाता है बाय द गायनेकोलॉजिस्ट डायरेक्टली इन योर यूट्रस। यूट्रस यानी कि अपने वजाइना एंड सर्विक्स को पार करके डायरेक्टली यूट्रस में रिलीज किया। IUI फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में किस तरीके से मदद करता है, क्योंकि इसमें हम स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं एज क्लोज टू द एग एज पॉसिबल, बिकॉज हम इसको यूट्रस के अंदर रिलीज करते हैं। और इससे अगर आपने ओरल मेडिकेशन लिया है तो आपका सक्सेस रेट है 10% पर साइकिल, अगर आपने इंजेक्टेबल मेडिसिन ली है तो आपका सक्सेस रेट है 18-20% पर साइकिल। और हमें कब पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, ये पता चलता है IUI होने के 2 वीक्स के बाद, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो। सो इट्स मी कौशिकी सेइंग बाय फॉर नाउ, एंड वी विल मीट सून विद अनदर वीडियो।